जैसे रोज का एक क्रम होता है उदय होता है और अस्त होता है बस ऐसे ही आज भी सूर्योदय हो गया अपने समय पर लोग उसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं पर मेरे लिए तो ये रूटीन की बात है नथिंग न्यू बट लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये न्यू है वट एवर नए साल पे बहुत लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं वो बात अलग है कि वो चलते नहीं अच्छा हाथ खड़ा करिए जिन्होंने आज तक न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाया पीछे क्या बनाया था जो नहीं चला हाँ बोलो सुबह जल्दी उठने का रेजोल्यूशन बनाया कितने दिन चला <laughs> और किसने हाथ खड़ा किया हाँ बोलू दैट्स गुड क्या नाम है कहाँ से हो दिल्ली से आगे आओ इसी खुशी में आपको एक चॉकलेट और किसका रेजोल्यूशन था अब झूठ नहीं बोलना के पूरे हुए थे जी क्या क्या फिर भी आ जाता है ओके एनी बडी एल्स हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है इन्होंने कहा 2009 से निर्णय किया था कि हम 10 प्रतिशत जो है वो अपनी सैलरी से निकालेंगे और सेवा में देंगे और वो हम देते तो शाह इनको भी चॉकलेट <laughs> और, और हाँ पतला होना है तो कितना हो गया सत्तर से कम अरे बाप बीस किलो कम कर लिया डेट्स वंडरफुल इसी खुशी में एक चॉकलेट बनता है वेरी वेरी फाइन तो शाह होम डिलीवर कर दे इसको भी साल के पहले तो नहीं बनाया लेकिन तीन महीने से बनाया है कि ये रोज आ, एक भगवत गीता का अध्याय पढ़ेंगे hmm. जो गीता पर इसका है जो एक अध्याय है जो जिसका का भी आती है तो तीन महीने से बिना जब तो तक नहीं पढ़ेंगे कुछ खाएंगे नहीं तो अभी तक चल रहा है कहाँ से आए हैं नाम सचिन तो शाह सचिन को भी दीजिए नहीं तो बहुत अच्छा आपने किया बहुत बहुत अच्छा है ये आ, क्योंकि मन जो है ना बिगड़ा हुआ घोड़ा है तो इसको लगाम जब तक ना डाली जाए तब तक ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा काम करता रहता है तो रेजोल्यूशन बेसिकली संकल्प जो है वो हम इसीलिए करते हैं कि जो काम आप ढीला ढाला आलस्य में छोड़ देते हैं संकल्प करने से एक थोड़ा ना इज्जत का सवाल हो जाता है अपनी आँखों में स्वयं को लगता है कि ये काम करना चाहिए और इट लुक्स बैड दैट हमने खुद सोचे और हम <coughs> खुद ही उसको पूरा ना करें इसलिए रेजोल्यूशन बनाने की एक परंपरा आमतौर पे न्यू ईयर पे होती है साधना से रिलेटेड तो संकल्प अवश्य ही करना चाहिए रही बात Uh, जो छोटी मोटी है के वज़न कम करेंगे के मीठा नहीं खाएंगे के झूठ नहीं बोलेंगे या ऐसा वो भी अच्छे होते हैं क्योंकि दे टू विल बी पार्ट ऑफ योर रिजॉल्व टू मेक योर माइंड स्ट्रोंगर एंड प्लग इन द लूप होल्स ऑफ योर माइंड द वीकनेसेस ऑफ द माइंड पर बहुत लोग जो हैं वो सोच तो करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन जो है वो थोड़ा बेईमान हो जाता है जैसे पानी को नीचे गिरना सहज होता है पर ऊंचा उठाना हो तो मोटर की जरूरत होती है पंप की जरूरत होती है ऐसे ही हमारे मन के लिए गिरना आसान गिरना आसान है सहज पर इस मन को ऊंचा उठाना हो तो बहुत मुश्किल है आदतें आदतें ऐसी होती हैं जिनके कारण से उन्ही आदतों में एक सुविधा लगने लग जाती जैसे एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग में सुविधा लगने लग जाती एक शराबी को शराब में सुख लगने लग जाता एक चैन स्मोकर को सिगरेट पीने में सुख लगने लग जाता है तो वो नुकसानदेह चीजें पर फिर भी वो करता है कंडीशनिंग की बात है एक्सेप्ट सर्टन कंडीशन एंड देन वी आर हैप्पी इन दैट तो नीचे गिरना बहुत सहज है ऊंचा उठना मुश्किल है जुड़ना बहुत मुश्किल है टूट जाना बड़ा बड़ा सहज है बहुत सहज होता है तो ऐसे तो जो लोग शिविर में थे हमने जो भी चर्चाएं वहाँ पर करी हैं तो उससे प्रेरित होकर के ऑब्वियसली बहुत लोगों ने ये बनाया होगा कि हम ऐसे संकल्प ऐसे रिजॉल्व किए होंगे कि हम अपनी साधना को बढ़ाएंगे वो दो महीने तक रहेंगे कि तीन महीने तक रहेंगे कि परमानेंट चलते रहेंगे ये आपके ऊपर होगा वर्तमान आपके हाथ में होता है जो भूतकाल है वो तो बीत चुका है इसलिए कल क्या होगा आने वाले कल में वो आपके आज पर निर्भर करता है तो अगर हम अपने आज को अच्छा बना लें सुंदर बना लें तो निश्चित हमारा कल भी अच्छा ही होगा कल की चिंता आज नहीं करनी चाहिए आज की चिंता अवश्य करनी चाहिए तो प्रॉब्लम मालूम क्या है हम कल की चिंता तो करते हैं जो अभी आया नहीं और आज की फिक्र जरा भी नहीं करते हैं तो आज हम बेहोश हैं आज हम क्रोधी हैं आज हम झूठे हैं आज हम कपटी हैं आलसी हैं क्रोधी हैं लोभी हैं पर हम कल अच्छा चाहते दैट हैपन सो आज का चिंता करेगा जो उसे कल कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी तो बड़ा ना सही तो छोटा सा एक चीज जरूर जोड़ लेना चाहिए कि हम अपने वर्तमान में आज में हम ये करेंगे एंड बिकॉज से वेन आई से समथिंग टू यू पीपल यू कैन ईजिली ब्रेक इट्स बट इफ यू विल डिसाइड दट आई वॉन्ट टू डू दिस आई नो यू लव योर सेल्फ मोर यू डोंट लव मी यू लव योर सेल्फ मोर चूंकि आप अपने आप को ही ज्यादा प्रेम करते हैं तो आपका अहंकार और आपका आपके लिए प्यार आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी सोची हुई बात को पूरा करोगे इसीलिए मैं खुद से किसी को कोई संकल्प नहीं करवाती क्योंकि मुझे मालूम है मेरा दिया हुआ तुम तोड़ दोगे जरूर तोड़ दोगे और फिर सौ बहाने लगा दोगे ये हुआ ये हुआ ये हुआ पर अगर खुद से सोचोगे और खुद से करोगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सोनू लोहिया सोनू लोहिया कौन है अच्छा आपने जो पत्र भेजा है अपने बच्चे के विषय में बस इतना ही कहूंगी कि आप स्वयं एक अच्छा जीवन जिएं और आपके किए गए कर्म आपके द्वारा बोली गई भाषा वो सब संस्कार बन के आपके बच्चे के मन में निश्चित चली जाएगी उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना बस घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिस वातावरण में शुद्धता हो सात्विकता हो प्रेम हो सेवा हो उस घर के बच्चे अपने आप ये चीजें सीख जाते हैं। जहाँ माँ बाप लड़ते हों झगड़ते हों झूठ बोलते हों कपट करते हों उस घर के बच्चे अपने आप से यही सीख जाते हैं तो अलग से अभी मुझे कुछ नहीं कहना पर स्केड्यूल uh, तो जो पॉसिबली हम तो कई बार देते ही रहते हैं आश्रम में जो चलता है वो भी आप जानती ही हैं तो इसमें आप अगर कितना आप कर सकेंगी अपने घर में उतना आप कर लीजिएगा हाँ पर बड़ी बात यह है कि बच्चे के सामने आपका व्यवहार जैसा होगा आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा मैं देखती हूँ जब छोटे बच्चों को तो जैसे पिता आके प्रणाम करते हैं तो अपने पिता को देखते हैं पहले कि क्या कर रहे हैं और फिर वो उनको फॉलो करते हैं कई बार मैं देखती हूँ यहाँ पिता या यह माँ आके सेवा करते हैं तो उनके छोटे बच्चे जो हैं वो भी कुछ कुछ सेवा करने लग जाए भले वो बगीचे से पत्ते ही क्यों ना उठाने लग जाए उनके छोटे छोटे हाथ और क्या करेंगे पर वो छोटे छोटे हाथों से गिरे हुए पत्ते उठा लेते हैं और माँ पिता का आचरण माँ पिता के विचार माँ पिता के संस्कार ऑटोमेटिकली बालक को ट्रांसफर हो जाते हैं साल तलक ये बच्चा एकदम कोरा है फर्स्ट सिक्स इयर्स तो बहुत क्रुशल होते हैं इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री माँ बने तो कम से कम छः वर्ष तो उसको अपने बच्चे को जरूर देने चाहिए वो जो पहले छः साल हैं वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि उसमें उसका सबकॉन्शियस डिज़ाइन हो जाता है और अगर बारह तक कर ले तो नथिंग लाइक दैट बट फिर आजकल के जैसे महंगाई है और हालात है कई बार स्त्री पुरुष दोनों को ही काम करना पड़ता है और अगर स्त्री करियर ओरिएंटेड है उसकी जॉब है तो वह 6 साल की छुट्टी तो कोई भी नहीं देगा मेटर्निटी लीव इतनी लंबी नहीं होती बट आई बिलीव एवरी मदर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द चाइल्ड तो वो अगर छ साल उसने दे दिए तो बस समझिए उसका आने वाला जीवन तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा मेरे बहुत शुभकामना है तुमको ऐसा तुम सोचते हो दैट इज रियली रियली वेरी नाइस वर्षा आशीष अभी शिविर में थे क्या आप ओ गुड 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 तो जो कुछ मैंने सिखाया ना वहां पर उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए दीक्षा इस एक मंत्र को देना लेना दीक्षा सिर्फ नहीं होता है दीक्षा इज योर कमिटमेंट सो इफ यू आर कमिटेड इन प्रैक्टिसिंग वट आई हैव टॉट यू यू आर ऑलरेडी दीक्षित आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिचुअल कि जहाँ आप नारियल और फूल और मिठाई लाओ और पैसे रखो और फिर हम मंत्र बोले और फिर आप कहो कई बार मुझे करना पड़ता है क्योंकि लोग इतने बुद्धू हैं जब तक ये ना हो उन्हें उन्हें लगता उन्हें फील नहीं आती है कि हम दीक्षित हो गए पर uh मेरी दृष्टि में उसकी आवश्यकता नहीं होती है हाँ कभी अवसर होए कभी अवसर मिल जावे तो गुरु को फूलमाला भी चढ़ाओ गुरु को मिठाई भी भेंट करो गुरु को फल भी दो जरूर दो लेकिन सिर्फ फल मिठाई दे देने भर से आप शिष्य नहीं हो जाते ये ऐसा तो नहीं होता है तो मन से जुड़ाव महसूस होना बहुत जरूरी होता है तो फिर भले आप वहाँ वेस्ट बंगाल में इतना दूर सिलीगुड़ी में आप भले रहते रहो पर दिल से तो फिर करीब हो जाओगे ना ये तो गोज़ विदाउट विदाउट एनी क्वेश्चन Hmm. दिल जुड़ना चाहिए तो तुम बोलो आशीष तेरा तो नाम ही इतना सुंदर है और वर्षा आशीष की वर्षा डू यू फील कनेक्टेड विद मी आई what प्रैक्टिसिंग am teaching? That's it. यू आर मैंने कोई ठप्पा थोड़ी लगाना है तुम्हारे जैसे वो गाय बैल के लगाते हैं ना नगर पालिका में वो गर्म करके मोहर लगा देते हैं उसके पीठ पर अब हमने वो थोड़ी लगाना है वैसे होना चाहिए वो <laughs> वो होते थे ना स्किन के ऊपर दाग देते थे पुराने समय में जो दास होते अरे एक uh, संप्रदाय है वैष्णवों में एक संप्रदाय है जिसमें दागते हैं यहाँ माथे पर गर्म करके ऐसे मोहर लगा देते हैं बोले क्यों बोले आप फिर कभी मुकर नहीं सकोगे कभी इनकार नहीं कर सकोगे कि हम कहाँ जुड़े हुए तो एक एक मैंने लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होगी अंटिल यू गेट अ प्लास्टिक सर्जरी डन पर मुझे लगता है ठप्पा तो दिल पे लगता है सबके लिए हमेशा ही मेरे दिल से बहुत शुभकामनाएं जाती हैं आप सब स्वस्थ रहें आप सब बुद्धिमान बने आप सब साधना करने वाले बने आप सब ध्यान करने वाले बने और बड़ी बात आपके हाथ से कुछ सेवा अवश्य होती रहनी चाहिए जो आपकी सामर्थ्य हो जो आपकी शक्ति हो और कभी कभी तो सेवा का भाव वो भी बहुत बड़ी बात होती है वो भाव रहे कुछ हाथ से सेवा होती रहे देने का आनंद तुम लेते रहो देने का सुख तुम महसूस करते रहो लेना छोटे लोगों का काम है देते रहना बड़े लोगों का काम है तो बड़ा बनिए लेने वाले नहीं देने वाले बनिए और खूब दीजिए कुछ और न दे सको तो दुआएं तो देते ही रहा करो मोहब्बत भरी दुआएं सबको देते रहा करो जब तुम्हारे पड़ोस में कोई सुखी रहेगा तो उसके सुख की खुशबू तुम्हारे भी घर में आ जाएगी और अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई दुखी रहेगा तो उसके आंसू के कुछ छीटे तुम्हारे भी दमन पे आ जाएंगे हम एकले एक, एक द्वीप की तरह नहीं है वी आर नॉट लाइक एन आईलैंड वी आर ऑल कनेक्टेड सो मे एवरीबडी बी पीसफुल हैप्पी कंटेंटेड इन मे यू ऑलवेज स्ट्राइव टू बी ए बेटर पर्सन इन रूट यू आर इन माइंड यू हैव टू ट्रेन द माइंड टू बी ए बेटर माइंड रूट में तो तुम आनंद स्वरूप हो तो आनंद स्वरूप में क्या परिवर्तन आएगा वहां तो कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता ही नहीं है पर मन के तल पर इसे मैत्री से मुदिता से प्रेम से सेवा से ज्ञान से श्रद्धा से प्रेम से इसको खूब भरते जाना ये दुनिया बहुत खूबसूरत है पर इसकी खूबसूरती में तुम्हारी ओर से क्या एडिशन हो रही है दैट इज अ बिगर क्वेश्चन तुम्हारी ओर से कुछ कार्य होते रहना चाहिए जिसमें सौंदर्य बढ़े जिसमें हंसी बढ़े खुशी बढ़े मन की शांति बढ़े तो ये 2017 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो बहुत भक्तिमय हो बहुत ज्ञानमयी हो